नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। एसिडिटी होने पर पेट में दर्द, गैस बनना, खट्टी धकार जैसी कई तरह की परेशानियाँ होती हैं। थोड़ा सा भी कुछ खा लेने पर बेचैनी होने लगती है और लगातार परेशानी महसूस होती है। ऐसे में अपने मन से या केमिस्ट से पूछकर एसिडिटी की दवा लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। एसिडिटी की शिकायत होने पर राहत पाने के लिए लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने के साथ साथ आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। रोज़ाना हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। एसिडिटी होने पर हमें लगता है कि ज़्यादा पानी पीने से इसमें राहत मिलेगी, पर ये सच नहीं है। खासतौर से भोजन के बीच में और बाद में ज़्यादा पानी न पिए, क्योंकि इससे एसिडिटी का खतरा और बढ़ जाता है। वहीं रात का खाना खाने के बाद तुरंत सोने से भी एसिडिटी हो सकती है। रात को सोते वक्त तकिया ज़्यादा ऊंचा ना लगाएं, इससे पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ता है। वहीं जिनका वजन ज़्यादा है उन्हें भी एसिडिटी की समस्या रहती है। अगर आप भी ओवरवेट हैं तो आप अपना वजन घटाएं, क्योंकि मोटापे की वजह से आंतों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से अपच की समस्या बनी ही रहती है। वहीं रात के वक्त तले भुने फूड्स का सेवन ना करें, हल्का भोजन करें, क्योंकि रात के वक्त भोजन पचाने में ज़्यादा वक्त लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।